शहडोल के जिला अस्पताल में लगातार हो रही नवजात बच्चियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते अब तक 8 बच्चियों की मौत हो चुकी है, वहीं अभी भी 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल के PICU में 8, SNCU में 33 बच्चों का अभी इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत का मामला बढ़कर 8 हो गया है। बताया जा रहा है निमोनिया के प्रकोप के चलते बच्चों की मौत हुई है। अनूपपुर के ठाड़पाथर व हर्रा टोला गांव से गंभीर अवस्था में उपचार के लिए बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। पूर्व में 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत का बड़ा मामला सामने आया था, जिसके बाद सिविल सर्जन व CMHO को हटा दिया गया था। गौरतलब है कि बच्चों की लगातार हो रही मौत के बाद CM शिवराज ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली थी और इलाज के लिए उचित दिशा निर्देश दिए थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।